नदी हो, आदमी हो, पशु पक्षी हो, उसकी एक मूर्ति होती है अपनी प्राकृतिक, उसकी शरीर होता है। फिर उसको आदमी उसमें कुछ ऐसी विशेष देखता है तो वो आकर्षित हो जाता है। तो वो देखना चाहिए कि हर चीज में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आकर्षित करती है, और उस पर सोचना चाहिए और फिर उस पर निकलना चाहिए। इस तरह पर नदी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, सब नदियां तो अच्छी नहीं होती। इसलिए ऐसे ही पेड़ है, कोई पेड़ अच्छा लगता है, किसी को गुलाब का पेड़ अच्छा लगता है, गुलाब के फूल, किसी को गुड़हल अच्छा लगता है। तो ये हर एक की मनोवृत्ति से जिसको जैसा लगे, जो रंग और रूप लगता है वो उसके अनुरूप होता है, वो उसको ग्रहण करता है।